गा बेजमील अहमद ये प्राइम न्यूज इंडिया और संचार टाइम प्राइम न्यूज है आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या है इस वक्त की अहम खबर कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट बेलगावी के तालुका गोकाक से है जहां पर एक मशहूर मारूफ कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश झारकेवाली का निवास है यहां पर हमने आज उनके निवास में उनके लोगों के मिलने झुलने को तो तमाम चीज़ों को देखने के लिए आज हम उनके निवास यानी उनके घर पहुंचे। हमें पता चला कि कई हज़ारों की तादाद में लोग उन्हें मिलते हैं और अपने मसले मसाइल को उनके सामने सुनाते हैं और सतीश झारके वाली एक ऐसी शख्सियत है जो खामोशी और इतमीनान के साथ उनके बातों को सुनते हैं और अपने तरफ से जितनी कोशिश हो सके इन मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं शायद मैंने ज़मीनी लेवल पर ऐसा लीडर नहीं देखा है जो ये हमने उनसे पूछा पूछने के बाद इन्होंने कहा कि ये काम हम कम से कम तीस साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं इसीलिए हमारा और आवाम का रबता जो है एक बहुत ही गहरा है और गहरी मोहब्बत है जिसकी वजह से आज हम पॉलिटिक्स में जमे हुए हैं और इनसे काफ़ी लोग मोहब्बत करते हैं इनके लिए सब कुछ कुर्बान करने की कोशिश करते हैं लोग और इनसे काफी मोहब्बत करते हैं हर जाति के लोगों से इनकी मोहब्बत है और इनसे सलूक है क्योंकि ये हर जाति के लोगों के काम बड़े आसानी से करते हुए आ रहे हैं आज ऐसे लीडर की हमें ज़रूरत है जो आज कर्नाटका का सी भी अगर किसी को चुना जाए तो मैं समझता हूँ कि सतीश झारख के वाली इसके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही बेहतरीन उम्मीदवार होंगे क्योंकि इनके दिलों में आवाम की तड़प है आवाम से मोहब्बत है जो गरीब है मिडल क्लास है और भी बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की वो मदद करते हुए आ रहे हैं हमने उनके घर पर देखा कि कम से कम नौ बजे से लोग उनका इंतज़ार करते हुए बैठे हैं और वहाँ पर हर तरह के इंतज़ाम भी किए जाते हैं कोई आदमी ना खुश होकर नहीं जाता बल्कि हर इंसान वहाँ से खुश होकर जाता है और उनसे मिलता है और ये बहुत बड़ी बात है ऐसे लीडरों का आज स्टेट में और भारत में होना चाहिए न कि ऐसे लीडरों का होना चाहिए जो भारत देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं हमें सबको चाहिए कि आवाम का साथ लेकर चलें देश की तरक्की और देश के उत्पन्न के लिए आगे बढ़े और यही हर एक लीडर का मकसद होना चाहिए जो हमें लीडर दिखा है जो एक ऐसी शख्सियत दिखी है जिसका नाम हम बड़ी ही दावे के साथ कह सकते हैं वो शख्सियत जो है सतीश झारके वाली है जो इस वक्त कर्नाटका कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे बेलगावी पूरे कर्नाटक के एक मशहूर और मरूफ लीडर हैं और देखिए इन्होंने किस तरह से प्राइम न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए अपने ख्याल पेश किए मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज हम यहाँ पर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के एक तालुका है जिसे गोका कहा जाता है यह सतीश जारके वाली का एक यहाँ पर रहने का इनका निवास है जहाँ पर आज हमने देखा कि सुबह 11 बजे यानी 10 बजे से करीब से लोगों का जमावड़ा इतना है कि कई लोगों के मसले मसाइल को लेकर सतीश अन्ना के पास लोग पहुंच रहे हैं और सतीश अन्ना को हमने देखा बड़ी इतमान के साथ सुकून के साथ हर एक इंसान के मसले को हल कर रहे यह हमने देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि कर्नाटक में शायद ऐसा लीडर मौजूद नहीं है सतीश शर्ना साहब हमने आपका दरबार देखा आपके लोग देखा एक एक मसले मसाइल आपने इतनी संजीदगी से और लोगों की हर तरह से मदद करते हुए मसले हल कर रहे हैं या आपके दिल में इतनी प्रीति लोगों के लिए कैसा है ये तो आज का नहीं तीस साल से चल रहा है हा? तीस साल से इतना लोगों को हम संभाल रहे हैं इसका नतीजा है इसका आउटकम है आज हम पॉलिटिकली में स्टेबल है हर चुनाव में हमारे तरफ लोग रहने की वजह यही है आज हम ऐसा सर्विस करते हैं ना बार बार हम बोलते हैं पॉलिटिक्स तो एक सर्विस होना चाहिए वो सर्विस हम कर रहे हैं अभी जिस तरह से पॉलिटिकल कई लीडरों के हमने देखा बस अलग काम के लिए एक पोजीशन के लिए एक मिनिस्ट्री के लिए काम करते हैं लेकिन आपने जो लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में एक मिसाल है और अभी जो आपका तीन तारीख को सिद्ध जी का जो सेवेंटी बर्थडे जो मनाया जा रहा है सतीश अन्ना के डिस्ट्रिक्ट से लोग कितने जाएंगे नहीं हम भी भेज रहे हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस तमाम लीडर एम सभी लोग भेज रहे हैं सभी वर्कर स्वयं जा रहा है तो 40 पचास हज़ार सिर्फ बेलगम डिस्ट्रिक्ट से जाने का एक अंदाज़ा है उम्मीद है अभी जो अन्ना साहब ये देख रहे हैं हम सती वाली साहब और जो जमीर अहमद खान सिद्धरामायण साहब ये जो फंक्शन कर रहे हैं कम से कम 10 लाख लोग यहाँ पर जमा होने का एक अंदेशा लग रहा है क्या टू के इलेक्शन का बीगल घंटी सायरन आप बजा चुके हैं हाँ उसी के सिलसिले में एक उसका जो ट्वेंटी थ्री का चुनाव का एक हिस्सा है जो उसका कितना सक्सेस होता है ये चुनाव के ऊपर ज़्यादा असर हो जाएंगे जिस तरह से बीजेपी की परिस्थिति जिस तरह से जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं इससे कांग्रेस जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स राहुल गांधी सोनिया गांधी को भी ईडी के जरिए चेकअप किया जा रहा है जो एक हरासमेंट किया जा रहा है इससे आप अभी लोगों को क्या मैसेज देंगे कि आने वाला दौर जो है कांग्रेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नहीं वो ई इनकम टैक्स सी तो चलता रहता है ये तो नया नहीं, नहीं है पुराना है इससे कोई एक पार्टी एक व्यक्ति को दबा नहीं सकती है ये तो टेम्पररी है तो पार्टी पार्टी रहेंगे पार्टी उबर के आएंगी इस हालात से जिस तरह से लोग ईडी को एक अपोजिशन पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो रूलिंग पार्टी है उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े गफले के हैं ईडी उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर नहीं वो पूरा तमाम बहुत लोग हैं ओरिजनल बीजेपी है और अन्य पार्टी से जो बीजेपी में जो शामिल हुआ है उनके ऊपर भी बहुत इनकम टैक्स ई का तो बहुत स्पेंडिंग है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है सिर्फ कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई होता है अपोजिशन के ऊपर कार्रवाई होता है क्या कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बीजेपी वाले रचने जा रहे हैं वो तो आठ साल से चल रहा है जब जी मोदी सरकार जो आ गए तब से पूरा विपक्ष कांग्रेस और अन्य पार्टी को ख़त्म करने के लिए उनका मास्टर प्लान है एक आखिरी क्वेश्चन हन्ना साहब तो अब आप जो है कर्नाटका स्टेट जो अनकरीब इलेक्शन आने वाला है बीजेपी पूरी तैयारी में लग चुकी है हर एक पार्टी अपने अपने इसमें लगी है कांग्रेस की पार्टी के आप एक वरिष्ठ नेता हैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट है और आपको बहुत चाहने वाले लोग हैं कर्नाटका में आप पूरे कर्नाटका के, के लोगों को हर जात के मजहब के लोगों को मैसेज क्या होगा एक गवर्नमेंट अच्छा गवर्नमेंट आना चाहिए लोगों को सरकार आना चाहिए सरकार के जब रहता है तो अभी देख रहे हैं मंगलोर में क्या हो रहा है शिवमंग में क्या क्या हो रहा है उनका ये लोग कई कारण से मरते हैं मर्डर होता है उसको राजनीतिक रंग लगाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए वो कई कारण तो अलग रहते हैं मगर ये जब भी आते हैं हम हिंदू कार्यकर्ता है और सा हिंदू कार्यकर्ता मरता है रोज़ मरता है देश में कर्नाटक में तभी उनका आवाज़ नहीं रहता है दलित लोग मरते हैं महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं तभी उनका वॉइस नहीं रहते हैं सिर्फ उनका लोगों को हाईलाइट करना उनका मकसद है इस तरह की राजनीति कब खत्म हो गया खत्म करने के लिए लोगों के पास आशक्ति है, है वो लोग क्यों ना आ गया वोट है वोट में जो वोट है ना उनके पास वो वोट इस्तेमाल सही इस्तेमाल करना चाहिए तभी ये खत्म होता है और अन्ना साहब जो सतीश वाले हमसे उनसे बहुत उम्मीद है कर्नाटक स्टेट के इलेक्शन के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अन्ना साहब जो आप अपना कीमती वक्त हमें दिए और आपका दरबार हमने देखा और एक शुभकामना है और लोगों को यही लीडर चाहिए जो ज़मीन पर काम करता है और लोगों के हर मसले को हल करता है थैंक यू अन्ना साहब बहुत बहुत शुक्रिया खबरों को प्राइम न्यूज़ इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए लाइक और शेयर करना न भूलिए